अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो जो लोकेशन और टोपोग्राफी की हमने लास्ट वीडियोस बनाई थी वो अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसका लिंक भी। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो अब आपका टॉपिक है वो है क्लाइमेट, तो मैं इसको जल्दी जल्दी क्लाइमेट का जो आपका सिलेबस कॉन्टेंट है उसको कवर अप करूँगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसमें है क्या क्या जो आपको याद रखना है, जिसके पीछे आपको स्ट्रगल करनी है। ठीक है, तो मैं उसको रीड करना शुरू करता हूँ। वैसे तो बेसिकली इन्होंने 6 पॉइंट बनाए हुए हैं आपके क्लाइमेट के डॉक्यूमेंट में, लेकिन ओवरलैपिंग है तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, बड़े इजी पॉइंट है उसमें ओवरलैपिंग की वजह से वो ओवरऑल जो है ना टोटल तकरीबन को 3 से 4 पॉइंट बनते हैं। तो पहले मैं सिलेबस कंटेंट आपका जो कैम्ब्रिज की तरफ से है वो रीड कर दूं, उसके बाद फिर मैं उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके आपके लिए और ज्यादा इजी बना दूंगा ताकि आपको उसको याद करने में आसानी जो है वो सामने रहे। तो सबसे पहला जो क्लाइमेट के अंदर पॉइंट है वो है जी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल इंक्लूडिंग मॉनसून, वेस्टर्न डिप्रेशन एंड कन्वेक्शनल रेन। अच्छा, अब ये तीनों वर्ड आपने याद रख लिया कि उसने डिस्ट्रीब्यूशन इन चीजों की कही है। आगे जाके एक टॉपिक में फिर से यही रिपीट होंगे लेकिन थोड़ा सा जो है ना स्लाइड सा वर्ड्स में चेंज होगा। दूसरा पॉइंट, नाउ द सीजनल एंड रीजनल वेरिएशन एंड द फैक्टर्स। नया पॉइंट जो दूसरा है वो है फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देम, मतलब जो आपका क्लाइमेटिक यहाँ पे एक एनवायरमेंट है उस क्लाइमेट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। लाइक मरी अगर जो है वो ठंडा रीजन है तो वो क्यों इतना कोल्ड रीजन है, मुल्तान में अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो क्यों गर्मी पड़ती है, वो फैक्टर्स कौन से हैं वो अभी डिटेल में उसमें चलते हैं। नंबर थ्री पॉइंट है द कॉजेस ऑफ द मॉनसून। अच्छा, ये पास्ट पेपर के अंदर इसके ऊपर बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आया हुआ है, रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी है और डायरेक्ट जो है वो एनालिटिकल क्वेश्चन भी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉनसून, मॉनसून का रूट क्या है, किस तरफ से ये आती है और सारी डिटेल अभी हम आगे चल के करते हैं। फिर है जी नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ द एरिड। अब ये अगेन फिर वो टर्म की बात आ गई, क्लाइमेट ऑफ एरिड, सेमी एरिड, ह्यूमिड एंड हाईलैंड रीजन्स। एरिड, सेमी एरिड, ह्यूमिड एंड हाईलैंड रीजन्स, ठीक है, इनका क्लाइमेट कैसा होता है, ये कंपैरेटिव स्टडी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिट्यूड। अच्छा, वो जो पहले वाले दूसरे पॉइंट के अंदर जो फैक्टर्स थे, दिस इज अगेन अ फैक्टर बेसिकली जो यहां पे उसने अलग से करके डिस्क्राइब किया है, लेकिन मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो मैं इसको उसके साथ ही जो है वो इंक्लूड कर लूंगा। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन द डे लेंथ एंड क्लाइमेट। देन है जी अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट यानी कि इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, और ये तो अब हमारी जो है वो डेली रूटीन की एक बात है, इसमें इतनी ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं हमें पड़ती कि जैसे गर्मियां आ गई हैं तो आपके जो है वो लाइट कलर के कपड़े जो है वो ज्यादा उनकी सेल शुरू हो जाती है, या आप कह लें कि सर्दियों में जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी सेल ज्यादा शुरू हो जाती है, मतलब लाइक दिस। और इसी तरह से जब मॉनसून होती है तो फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स की वजह से अर्बन लाइफ और जो रूरल एग्रीकल्चर लाइफ वो डिस्टर्ब होती है, तो ये उसके इफेक्ट्स इस तरह से, अभी हम उसमें डिटेल में चलेंगे। तो ये टोटल आपके जो पॉइंट्स हैं 5 से 6, और उसको भी अगर हम लोग पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं जो सिमिलर पॉइंट्स हैं तो 2 से 3 पॉइंट हैं जो क्लाइमेट में आपने याद रखने होते हैं। ठीक है, अब मैं इन पॉइंट्स को 4 कैटेगरीज के अंदर आपके सामने क्विक रिवीजन के तौर पे प्रेजेंट करूंगा कि वो 4 कैटेगरीज कौन सी हैं और उसकी फर्दर आगे डिटेल्स क्या हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, और इस वीडियो को आप एंड तक जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लाइमेट की जो है ना वो एज सच शायद सही तरह से समझना आ सके, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, इसी वजह से मैंने एफर्ट करके आपके लिए इसको 4 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज जो है वो है डेफिनेशन, या दूसरी सेंस में हम कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। अब ये बेसिकली ये कंडीशंस हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही, जैसे टेम्परेचर कहां पे, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है ना, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ही जो चेंजेस आती हैं टेम्परेचर की बेस पे, विंड की बेस पे, आपकी रेन की बेस पे, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशंस। रेन, ह्यूमिडिटी है या नहीं है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है एयर का, इसको हम कंडीशंस बोलते हैं। और डेली बेसिस पे जो कंडीशन चेंज होती है, डेली बेसिस पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, दोज आर कॉल्ड द वेदर। डेली कंडीशंस ऑफ एटमोस्फेयर आर कॉल्ड और नोन एज वेदर कंडीशंस, और इन्हीं डेली कंडीशंस का एक एवरेज निकाल लेते हैं हम, और उसके बाद फिर हम लोग उसको एवरेज को डिफाइन करते हैं एज अ क्लाइमेट। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि जी जून में कैसा क्लाइमेट होता है, तो फौरन से पहले हम कहेंगे गर्मी होती है। क्यों कहेंगे हम गर्मी होती है, बिकॉज वी नो
फ्रॉम आर पास्ट एक्सपीरियंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज के जून में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा ही होता है. सो एवरेज जो है वो क्लाइमेट होती है और ये ऑलमोस्ट 30 ईयर्स की बेस के ऊपर उसका डाटा जो है निकाला होता है. एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑन डेली बेसिस क्लाइमेट सॉरी वेदर एंड एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑन एवरेज फॉर बेस्ड ऑन 30 ईयर्स इज क्लाइमेट, राइट. अच्छा जी, उसके बाद है जोन्स. अब ये आपके सामने जो है वो स्क्रीन के ऊपर भी उसकी जो है वो स्लाइड आ जाएगी. क्लाइमेटिक जोन्स, पाकिस्तान को फोर मेजर क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है. जो पहली कैटेगरी है हमारी, तो पहला जोन है हाईलैंड जोन. अच्छा, इसमें भी कोई इतनी ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती, हाईलैंड विद माउंटेन्स एंड वी नो व्हाट आर द समर कंडीशंस इन माउंटेन्स एंड व्हाट आर द विंटर कंडीशंस इन माउंटेन्स. ठीक है, सो हाईलैंड क्लाइमेट कैसा होता है. देन लोलैंड क्लाइमेट, लोलैंड ठीक है, प्लेन्स की बात की जा रही है. जैसे हमने लास्ट वीडियो में टोपोग्राफी में पढ़ा था इंडस प्लेन, तो लोलैंड. अब हम लोग रहते भी प्लेन में नॉर्मली, तो हमें पता है कि प्लेन्स के अंदर विंटर कंडीशंस कैसी होती हैं, समर कंडीशंस कैसी होती हैं. सो उनकी डिस्क्रिप्शन जो है दैट इज नॉट अ टफ जॉब, बट माइंड इट के अनटिल अनलेस वी रीड इट एंड वी प्रैक्टिस इट, हम नहीं कर सकेंगे. ठीक है, तो आसानी के लिए याद रखने के लिए तो ये चीज है, लेकिन प्रैक्टिस हमें बहरहाल करनी पड़ेगी. अच्छा जी, तीसरा जो क्लाइमेटिक जोन है वो है कोस्टल. कोस्टल क्लाइमेटिक जोन यानी कि जो आपका मैरिटाइम क्लाइमेट है, जिसको हम लोग एडजेसेंट टू सी जो एरियाज होते हैं उसका क्लाइमेट बोलते हैं कोस्टल क्लाइमेट. ठीक है, और इसके अंदर डेफिनेटली हमें पता है कि जो एवरेज टेम्परेचर है 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, इसका जो एवरेज निकाला हुआ है ना हर मंथ में कितना टेम्परेचर रहा, फिर उसको उसका एवरेज निकाले, वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है. और इसमें डे टाइम पे और नाइट टाइम पे विंड ब्लो करती है, जिसको हम सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज बोलते हैं. तो वो कोस्टल क्लाइमेट के अंदर सी ब्रीज और लैंड ब्रीज 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दो बेंच मार्क है आपने जो याद रखने. देन है आपका डी टाइप ऑफ क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट. ठीक है, तो ये मैप के ऊपर आप देख लें कहां कहां पे है एरिड. एरिडिटी का वर्ड जहां पे भी आएगा इट मींस एक्सट्रीम ड्राइनेस एंड हॉट. ड्राई एंड हॉट, ये दो वर्ड याद रखें. एरिड क्या है, ड्राई एंड हॉट. इसके अपोजिट जो क्लाइमेट होता है वो होता है ह्यूमिड. ह्यूमिड क्लाइमेट जो आपका हाईलैंड जोन में होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब है कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वेपर्स ज्यादा है. ठीक है, तो ये बेसिक्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स आपने याद रखनी है. अच्छा, अब बात ये है कि पाकिस्तान स्टडीज को जब हम रीड करते हैं, जब हम आंसर्स के अंदर उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें एग्जाम्पल देनी पड़ती है. तो हाईलैंड जोन में आप मरी याद रखें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे. लोलैंड जोन में आप लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद याद रख सकते हैं, और कोस्टल क्लाइमेट में कराची और गवादर को याद रख सकते हैं. जबकि जो आपका एरिड जोन है वहां पे आप बहावलपुर का जो क्लाइमेट है उसकी आप एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं. आप खारान डेजर्ट, थर्ड डेजर्ट, डेजर्ट का नेम लेके उसकी जो एग्जाम्पल है वो वहां पे पुट कर सकते हैं. तो ये तो हो गया आपके क्लाइमेटिक जोन्स. अब सेकेंड कैटेगरी आपकी क्लाइमेट में जो आपको जिसके ऊपर मेहनत करनी है याद करने के लिए, वो है फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट. कि किसी भी प्लेस का, किसी भी रीजन का जो क्लाइमेट है उसमें सीजनल और रीजनल वेरिएशंस जो आती हैं उसमें फैक्टर क्या है. तो सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड. अब मेरे वर्ड्स याद रखिएगा, दीज वर्ड्स विल हेल्प यू टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फर्दर एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस जो भी आपको दिए जाएंगे. लैटिट्यूड, हायर द लैटिट्यूड लोअर द टेम्परेचर. मतलब लैटिट्यूड आपका 0 डिग्री नॉर्थ पे आपका जो है वो ज्यादा टेम्परेचर होगा. 0 डिग्री से आप जैसे जैसे लैटिट्यूड आपका इंक्रीज करता जाएगा, आप लोग फर्ज करें 23 पे आ गए हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा. इसी तरह से आप 36, पाकिस्तान का जो लास्ट 37 36 तक जो लैटिट्यूड्स हैं वहां पे टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाएगा. तो लोअर द लैटिट्यूड हायर द टेम्परेचर, हायर द लैटिट्यूड लोअर द टेम्परेचर, ये सिंपल फॉर्मूला आपने याद रखना है. सेकेंड फैक्टर है एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड में हमने टोपोग्राफी में बात की थी, हायर द एल्टीट्यूड लेसर द टेम्परेचर. ठीक है, इसमें अगेन आपकी जो है वो मरी की एग्जाम्पल आप पुट कर सकते हैं. मैरिटाइम, अभी हमने लास्ट जो कैटेगरी है उसमें कोस्टल क्लाइमेट की बात की है, तो मैरिटाइम फैक्ट ये है कि द एरियाज विच आर नियर टू द सी, एडजेसेंट टू द सी और ओशन, वहां पे जो क्लाइमेट है वहां पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलती है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज होता रहता है. तो वहां पे ये मैरिटाइम इफेक्ट इसको बोलते हैं. देन द नेक्स्ट टर्म फॉर द फैक्टर्स इज द कॉन्टिनेंटल इफेक्ट. द एरियाज विच आर प्रेजेंट इन साइड द लैंड, मतलब जमीन में कहीं करके सिंपल आप याद रखें कि एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द एरियाज विच आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, बट वो हायर ऑल्टीट्यूड नहीं है,
तो वो उसको कॉन्टिनेंटैलिटी बोलते हैं, वहां पे जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। और मुल्तान इसकी बड़ी एग्जैक्ट एग्जाम्पल है आपके पाकिस्तान में, जहाँ पे कॉन्टिनेंटैलिटी है वो सी से दूर भी है, माउंटेन्स भी नहीं है, तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली हाई होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ओके जी, थर्ड थर्ड कैटेगरी आपकी जो है वो है रेन्स। पाकिस्तान में रेन्स कौन कौन सी है? अच्छा, आपके सिलेबस में बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है मॉनसून रेन की, तो कॉजेज आपको पता होनी चाहिए। बाकी रेन्स की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान में कौन कौन सी है, उनकी कॉजेज आपके लिए नीडेड नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब जो मॉनसून रेन, उसको समर रेन भी बोलते हैं, वेस्टर्न डिप्रेशंस विंटर रेन भी बोलते हैं उसको। इसके अलावा कुछ लोकलाइज रेन होती है ज्यादातर माउंटेनस रीजन में, रिलीफ रेन या ऑरोग्राफिक रेन। इसको अभी मैं थ्रू डायग्राम आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये मॉनसून का जो है वो आपके सामने मैप है, मॉनसून विंड्स को ये एक्सप्लेन कर रहा है, मॉनसून रेन्स इन विच एरिया दीज आर जनरेटेड एंड वट इज द रूट, कहां से होती हुई फिर ये पाकिस्तान की तरफ आ रही है। जरा मैप के ऊपर आप देखें, और ये बे ऑफ बंगाल से पाकिस्तान की तरफ आ रही है, और अरेबियन सी से भी ऊपर पाकिस्तान के माउंटेनस रीजन की तरफ ये इवेंट्स जा रही हैं, और जहां पे इवेंट्स जाके इकट्ठी होती हैं फिर वहां पे रेनफॉल होती है। ठीक है, तो अब जाहिर है ये इंडियन साइड से आ रही है, तो पहले लाहौर वाला एरिया हिट होगा, लाहौर सियालकोट जो ईस्ट साइड पे पाकिस्तान के एरियाज हैं, तो वहां पे रेनफॉल ज्यादा होगी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, रेन की क्वांटिटी कम होती जाती है, तो पिशावर में रेनफॉल कम होगी। और एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि व्हाट आर द रीजंस दैट पिशावर रिसीव्स लेस मॉनसून रेनफॉल देन लाहौर। ठीक है, तो यही आपने उसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपकी रेनफॉल है वेस्टर्न डिप्रेशन, ये पाकिस्तान के वेस्ट साइड से एंटर होती है, और वेस्टर्न डिप्रेशन इनको बोलते हैं, ये विंटर रेन्स हैं, ये इनके शावर्स लाइट होते हैं, लेकिन ये जब शुरू होती हैं तो ये एक एक दो दो दिन तक लगातार भी हो सकती हैं। जबकि मॉनसून एज कम्पेयर टू मॉनसून, मॉनसून जो है वो एक दो घंटे के लिए शदीद बारिश होती हैवी शावर्स में आती है, और उसके बाद वो फिर धूप निकल आती है, तो ये इनमें डिफरेंस है। रिलीफ रेनफॉल, ये आप जरा इसमें देखें इसके डायग्राम के अंदर, रिलीफ रेनफॉल में माउंटेन होती है एक साइड से, एक स्लोप से, ड्यू टू द डिफरेंस इन एयर प्रेशर एयर इज मूविंग अपवर्ड। इसको हम बोलते हैं विंड वर्ड एरिया, जिस तरफ से विंड मूव करती है ऊपर जा रही है, और विंड जब ऊपर जा रही है तो साइडों से और वाटर बॉडी से, ये वाटर वेपर से उसको अटेन कर लेती है, उसको सक कर लेती है अपने साथ, उसको अटैच कर लेती है, और एक हाइट पे पहुंच के वहां पे फिर जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है, कंडेंसेशन होती है, और वो रेन की सूरत में वो पानी वापस गिर जाता है, और ये वाली जो माउंटेन की साइड है ये ग्रीन रहती है। और दूसरी साइड जहां पे ये जो विंड अपवर्ड गई थी, ये दूसरी साइड पे स्लाइड कर जाती है, और वहां से ये दोबारा से वेफर्स जो है वो ले लेती है जो भी वहां पे होते हैं, तो वो एरिया ड्राई रह जाता है, उसको लीवर्ड एरिया बोलते हैं। और पाकिस्तान में इसको, इसकी एग्जाम्पल जो चित्राल एरिया है, ये वहां पे रेनफॉल जो इस वजह से कम होती है, और मरी आपका जो है वो विंडवर्ड एरिया की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, वहां पे रेनफॉल ज्यादा होती रहती है। तो मरी में रेनफॉल होने की ये भी बहुत बड़ी वजह है कि वहां पे मॉनसून भी आती है, वेस्टर्न डिप्रेशन भी आती है, और रिलीफ रेन भी आती है वहां पे, राइट? तो ये रेनफॉल से रिलेटेड। अब क्लाइमेट के इफेक्ट्स, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, अभी जैसे हमने सिलेबस में भी बात की थी कि इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट बहुत ज्यादा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे माउंटेनस के अंदर, माउंटेन्स के अंदर जब ज्यादा स्नोफॉल होगी डेफिनेटली वहां पे ब्लॉकेज होगी, वहां पे एवलेंचेस होंगे, लैंडस्लाइडिंग, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी, और वहां पे लोगों का रहना जो मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से जो आपके प्लेन्स एरिया है वहां पे जब हैवी रेनफॉल होती है और स्नो मेल्ट होती है, तो वहां पे फ्लड्स आ जाते हैं, फ्लड्स की वजह से लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है वहां पे। और डेजर्ट्स के अंदर जो है वो हाई टेम्परेचर्स की वजह से, ड्राइनेस की वजह से, एरिडिटी की वजह से हार्श क्लाइमेट होता है, और लोगों का वहां पे सेटल्ड लाइफ टाइम गुजारना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, तो ये आपके क्लाइमेट के इफेक्ट्स हैं, जिसमें जो लाइफ के हर फील्ड के अंदर आते हैं, इवन आपके जो एग्जाम्स हैं वो भी ये क्लाइमेट इफेक्ट्स की वजह से इफेक्ट होते हैं। तो अभी जैसे स्मोग है या सर्दी ज्यादा होती है, तो स्कूल्स क्लोजर या विंटर ब्रेक आ जाती है, आपके एग्जाम्स जो कोशिश होती है कि जून जुलाई से पहले पहले ले लिए जाएं, जो छोटे बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, तो ये मतलब स्केड्यूल आपके एग्जाम, आपके आपके क्रिकेट मैचेस के जो स्केड्यूल्स हैं वो उसको देख के जो है वो बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो कैटेगरी है, फिफ्थ कैटेगरी, दैट इज क्लाइमेटिक हैजर्ड्स। क्लाइमेट का कोई भी एलिमेंट जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो क्लाइमेट हैजर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। हैजर्ड का मतलब होता है थ्रेट, डेंजर, तो क्लाइमेट से रिलेटेड डेंजर। सबसे पहले फ्लड, जब आपकी एक्सेसिव रेनफॉल हो गई, एक्सेसिव स्नो मेल्ट हो गई, तो फ्लड्स आ जाते हैं। रेनफॉल की वजह से है, तो इस वजह से क्लाइमेट का पार्ट है रेनफॉल, तो इसको क्लाइमेटिक हैजर्ड बोलते हैं। देन थंडर स्टॉर्म, जब बड़ी स्पीडीली ब्लोइंग विंड्स होती हैं, हैवी क्लाउड फॉर्मेशन होती है, और उससे हैवी रेन होती है, थंडर स्टॉर्म, उसमें थंडर जो है वो भी बड़े बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है।
ड्राउट्स, ड्राउट्स कंडीशन जो होती हैं वो एरिड कंडीशंस हैं, इसमें ड्राइनेस होती है, आपका जो वाटर लेवल है वो बड़ा शॉर्ट हो जाता है, और इसको बोलते हैं हम लोग ड्राउट कंडीशंस। अब इन सब के लिए आपने जो याद करने वाली चीज़ें हैं, फ्लड्स की रीजंस क्या हैं, फ्लड्स की मैनेजमेंट क्या है, उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, आपके थंडर स्टॉर्म्स इसकी रीजंस नहीं है आपके सिलेबस में, थंडर स्टॉर्म्स के इम्पैक्ट्स हैं और ड्रॉट्स हैं उसके इम्पैक्ट्स हैं, ड्रॉट्स है पाकिस्तान के लिए जैसे बोलते हैं ना कि एक किलिंग पॉइजन है ड्रॉट कंडीशंस, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, ड्रॉट का मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी, जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम होगी तो अल्टीमेटली आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर मिल्स, राइस मिल्स, वो भी आपकी स्लो डाउन हो जाएंगी, अल्टीमेटली आपके लोगों की जॉब्स, बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी, तो ये जो है वो इम्पैक्ट्स हैं इनके, ये आपका होल सिलेबस है अबाउट द क्लाइमेट। अब ये मैं इसीलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आप लोगों को लंबी लंबी वीडियोज देख के जो है उसमें परेशानी ना हो, फिर भी ये जो है वो 16-17 मिनट की वीडियो बन गई है, तो आई होप इसमें आपको डिटेल्स जो है वो क्लाइमेट की रिविजन की, क्विक रिविजन की मिल गई है। इवन देन इफ यू फील के यहाँ पे कुछ चीज रह गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं कि जिस चीज को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दे, तो आई विल इंशाल्लाह डू दैट। अभी के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज।